आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार गुरुदेव रविन्द्र टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा में आपका स्वागत है आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक की पांचवी कड़ी अब तक आपने सुना परेश चंद्र के घर आने जाने को लेकर विनय एवं गोरा में मतभेद पैदा हो गए हैं लेकिन अंदर से वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं दोनों के बीच पैदा हुए मतभेदों को मिटाने में गोरा की माँ आनंदमयी भी अपनी भूमिका निभाती हैं। परेश चंद्र के पुत्र सतीश की विनय से मित्रता बनी हुई है वादों और विवादों की स्थितियां भी बनी हुई हैं। अब सुनिए इससे आगे सवेरा हो गया ओ, ओ, क्या बजा है पांच मुश्किल से दो घंटा ही सोए होंगे हम लोग अरे जो भी हो उठो और साथ चलो मेरे कहा बड़ा ही टोला बड़ा ही टोला वहां क्यों उठो तो मैं सुबह अक्सर वहां जाता हूँ गरीब और अनपढ़ लोगों की बस्ती है वो असल में काम करने की जरूरत तो वहां है और हम हैं कि शहर में ही काम करके समझते हैं कि देश का बड़ा उद्धार कर लिया है अच्छा आप जल्दी करो दो दिन हो गए हैं मुझे वहां गए पहले कभी बताया नहीं तुमने वे पहले तुम रात को मेरे घर टिके भी नहीं सोचता था कुछ काम करके दिखाऊं तो तुम्हें भी ले चलूंगा पर आज तुम यहां हो तो चलते हैं ठीक है चलो लेकिन तुम वहां करते क्या हो गोरा वहां अधिकतर लोग अंधविश्वासों और रूढ़ियों के शिकार हैं उन्हें समझाता हूं और विनय वहां नंदू नाम का एक लड़का है मुझे बहुत मानता है चलो आज तुम्हें भी उन लोगों से मिलवाता हूं ठीक है आजा। चलो पहुंच गए बड़े ही टुला मैंने यही है यही है वो जगह जहां हर रोज मैं आता हूं अच्छा गुरु वो हां हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है यहाँ ये नंदू के घर के सामने इतने लोग क्यों जमा है हम्म गुरु दादा गुरु दादा अरे छज्जू क्या हुआ दादा वो नंदू क्या हुआ नंदू को नंदू मर गया दादा हाँ। क्या कह रहे हो छज्जू इतना स्वस्थ नंदू कहते हो कि मर गया हाँ दादा क्या लेकिन कैसे पता नहीं दादा क्या हुआ उसकी देह एकदम कमान की तरह कड़ गई थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने दादा नंदू की मां ने मना कर दिया कहने लगी कि कोई भूत लग गया है आप डॉक्टर को बुला लेंगे और वो ना जाने अनाब सनाब दवाइयां दे जाएगा दादा कई लोगों ने उसे लाख समझाया लेकिन वो नहीं मानी और ओझा को ही बुला लिया ओझा सारी रात मंत्र पढ़कर झाड़ा करता रहा बस बसु आखिरी सांस तक आपको याद करता रहा दादा okay. <laughs> कैसी मूर्खता है देखा मैंने ये है मूर्खता जिसके खिलाफ हमें लड़ना है हम अपने को इस सब से अलग मानकर स्वयं को इस बात की तसल्ली नहीं दे सकते कि देश में सब ठीक है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इन तमाम लोगों ने झूठ और अंधविश्वास के हाथों अपनी अक्ल बेचती है देवता भूत प्रेत उल्लू छींक बृहस्पतिवार जाने किस किस बात का डर समाया हुआ है इन लोगों में इन्हें कैसे समझाया जाए विनय कि दुनिया की हर मुसीबत और सच्चाई का सामना बहादुरी से किया जा सकता है यह बात समझने के लिए शिक्षा की जरूरत है शिक्षित समाज तो खुद को इनसे अलग और बड़ा मानता है हाँ यही मैं भी कहता हूं कि शिक्षा के अभिमान में तो हम खुद को आम लोगों से अलग कर लेते हैं हम ये नहीं समझते कि समाज के हाशिए पर पड़े हुए इन गरीब और अनपढ़ लोगों का उद्धार हुए बिना हमारा भी उद्धार नहीं हो सकता विनय नाव के तले में छेद हो तो कितना ही ऊंचा मस्तूल क्यों ना हो उस नाव को बचाया नहीं जा सकता तुम चुप क्यों हो विनय सोच रहा हूं कि इस सब का कोई इलाज है कि नहीं।, नहीं इलाज है इलाज है इन लोगों के बीच में आकर काम करना ये ओझा जो नंदू को मार गया है उसकी मार मुझ पर भी पड़ रही है सारे देश पर पड़ रही है ऐसा सोचकर ही भारत की छाती पर सवार इस झूठ को उतारना होगा लेकिन अंधेरा बड़ा घना है गोरा तब भी दीपक की छोटी सी लौ उसे चीर देती है गोरा तुम में और मुझ में एक भेद है वो क्या अपने देश में रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है तुम उसे रोज नई आंखों से देखते हो और हम हम एक उदासीन भाव से देखते रहते हैं हमारे पास ना आशय है ना हताशा है ना आनंद है ना दुख है बस एक शो ने भाव से सब देखते रहते हैं इतनी निस्पृहता तो उचित नहीं है भारत की स्वाधीनता के लिए जो लड़ाई शुरू होगी तब भी अगर हम ऐसे ही उदासीन होकर बैठे रहे तो लड़ाई शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे अरे अरे अरे, अरे रोको गाड़ी दिखता नहीं एक बूढ़े के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं घोड़ों में ब्रेक नहीं होती है बाबूजी और क्या यह देखकर नहीं चल सकते अरे अरे बाबा उठो उठो बाबा सा, सामान बिखर गया विनय जरा हाँ संभालना तो रहने दे बाबूजी अब अभ, अब ये अंडे मक्खन काम नहीं आएंगे अल्लाह बाबा ज्यादा चोट तो नहीं लगी बस बस बच गया समझो बेटा आराम से एक एक बात कहूं बाबा हाँ। तुमने तो बिना कुछ कहे ये अपमान सह लिया इसके लिए अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे हाँ। बेटा, जिसका कुसूर है, अल्लाह उसे सजा दें। मुझे क्यों माफ नहीं करेंगे हाँ? इसलिए कि अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला दुष्ट के सामने भल मनसाहत दिखाना धर्म नहीं है अच्छा चलो हमारे साथ चलो और मरहम पट्टी करवा लो हाँ चलो आइए बेटा सारा सामान तो बिखर गया अब पैसा कहाँ से लाऊंगा अरे बाबा हमारे साथ चलो हमारे साथ इन्हें तुम्हारे घर ले चलते हैं ठीक हाँ, है अब आओ बाबा आइए कुछ पैसे हो तो हाँ है ना ड्रॉर में देखना तो हाँ मिल गए ए, लो बाबा जाओ जाकर इलाज करवा लो अल्लाह हाँ, आपको सलामत रखे बेटा खुदा हाफिज खुदा हाफिज आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ आराम से जाइएगा हाँ, हाँ। हाँ, चले गए बाबा बेचारे हाँ। को बहुत चोट मिली हाँ। विनय वो दराज में रखा फोटो देखा वो परेश बाबू के घर का ही है ना हाँ। क्या तुम कुछ आ, बोलो बोलो गोरा यही तो समझ में नहीं आता विनय कि क्या बोलू इधर देखता हूं कि परेश बाबू के परिवार में तुम्हारी रुचि बढ़ती जा रही है और उधर महिम दादा लगातार दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारा ब्याह शशिमुखी से हो जाए वैसे तुम्हारी क्या राय है पहले तुम अपनी राय बताओ मैं मेरी राय में अगर ऐसा हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? गोरा पहले तो तुम ही कहते थे कि हम दोनों हमेशा देश की सेवा में तत्पर रहेंगे और हम दोनों में से कोई भी ब्याह नहीं करेगा ये अचानक तुम्हारी राय में परिवर्तन क्यों और... चलो अब ये तय करते हैं कि मैं तो ब्याह नहीं करूंगा लेकिन तुम करोगे हमारी राह एक है लक्ष्य एक है फिर फल अलग अलग क्यों गोरा वो ऐसा होता है विनय कि ईश्वर किसी पर ज्यादा भार डालता है और किसी पर कम हम एक आध बाट इधर उधर डालकर पलड़े बराबर कर लेते हैं? है? <laughs> तब तो बाट अपने पलड़े में डाल लो नहीं विनय यह संभव नहीं है गोरा मुझे लगता है कि नारी जाति के प्रति तुम्हारे मन में कुछ अलग सा ही भाव है यानी लगता है जैसे तुम्हारा स्वदेश प्रेम भी अधूरा है वो कैसे तुम भारत को केवल पुरुषों का देश मानकर ही देखते हो ओ, तो तुम अंग्रेज नारियों की तरह से ही भारत की नारियों को भी हर जगह देखना चाहते हो यह व्यंग्य है तो मैं कहूंगा कि नहीं पर सोचो गोरा कि भारत की परंपरा में समाज निर्माण में भारत की नारियों ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज हमने नारियों को घर की चार दीवारी में बंद करके रखा हुआ है कैसे देश और समाज का भला होगा सोचो गुरा, क्या हमने अपने चिंतन में नारियों को उचित स्थान दिया है वे नहीं। मैंने अपनी मां को एक आदर्श नारी के रूप में जाना है मैं देखता हूं कि जैसे उन्होंने घर को पूरी कुशलता के साथ संभाला हुआ है उसी तरह से वो समाज के कामों में भी हिस्सा लेती है मैं उसी रूप में अपने देश की स्त्रियों को देखता हूं देखो गोरा मां को मैं भी जानता हूं लेकिन सिर्फ एक नारी के बहाने हम पूरे समाज की समीक्षा नहीं कर सकते हैं और एक और बात भी समझ लो तुम वो क्या कि मैं अपने समाज की तुलना अंग्रेजी समाज से नहीं करना चाहता लेकिन यह तो मानना होगा गोरा की नारियों की भागीदारी ना होने से स्वदेश हमारे लिए आधा सच है लेकिन मैंने बात तुम्हें इसी वक्त क्यों सूची हाँ, अभी सूची है इतना ही नहीं हम किसान को उसके खेत तक जुलाहे को उसकी खड्डी तक और चरवाहे को उसके पशुओं तक ही सीमित करके देखते हैं पूरा इसी से छोटे बड़े का भेद पैदा हुआ है इसी से देश कमजोर हुआ है शक्ति के दो पक्ष हैं और दूसरा अव्यक्त लेकिन गोरा इनके बीच एक संतुलन जरूरी है हां इनके बीच एक संतुलन जरूरी है और उसी संतुलन की ही तो बात मैं कर रहा हूं मां ने भी कहलवाया है कि जो भी निर्णय लेना दोहरे मन से मत लेना सयाने हो सोच समझ कर निर्णय लेना विवाह जीवन का एक बहुत बड़ा संस्कार है विनय इसे कभी भी अश्रद्धा से मत करना गोरा मां की बात विचार करने योग्य है वही तो मैं कह रहा हूं करो ना विचार लेकिन गोरा दिमाग में फिर वही बात आती है क्या कि जो राह हमने चुनी है विवाह के चक्कर में हम उस राह से भटक जाएंगे ऐसा ना हो गोरा कि हम ना घर के रहें और ना घाट के तुम जो भी कह रहे हो वो गलत नहीं है सही है लेकिन महीम दादा की चिंता भी अपनी जगह सही है वो भी जल्द से जल्द बेटी का विवाह करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते हैं गौरा मुझे सोचने का कुछ समय दो मैं ठीक है तुम सोच लो आ, मैं चलता हूं सफलता का चेहरा पहचानना बहुत कठिन है सुचरिता ग्रीस ग्रीस की सफलता आज में नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि वे सारे आइडियाज विचार जो वहां पैदा हुए हैं नहीं आज भी उनकी भूमिका है यूरोप में आज ठेलम ठेली है हाथापाई है लेकिन भारत वर्ष के पास सामाजिक व्यवस्था के नाम पर कुछ है कुछ है हमारे पास इसे ओछी अंधता का शिकार हमें नहीं होने देना चाहिए बाबू ये सब बातें आपकी सोच का हिस्सा हैं या आप गौर मोहन बाबू की बातों को ही दोहरा रहे हैं <laughs> <laughs> जो भी कहिए आप गोरा के जैसा विश्वास शायद मुझ में ना हो पर हम दोनों बहस करते रहते हैं गोरा का मानना है कि, कि किसी बड़ी चीज को छोटा करके देखने में संदेह उत्पन्न होता है पेड़ का पत्ता पूरा पेड़ नहीं हो सकता है चलिए मैंने मान लिया लेकिन पेड़ देखना है तो पेड़ का फल भी देखना होगा जाति भेद का फल क्या हमारे देश के लिए अच्छा है बाबू? जिसे आप फल कहती हैं, ये एक अवस्था है सिर दुखता है इसलिए सिर उड़ा दो इस तर्क से काम नहीं चलेगा अच्छा है कि सिर दर्द का इलाज करो और स्वस्थ और सबल बनो हु? तब तो आप ये भी मानते होंगे कि ब्राह्मण के पाओ की धूली से मनुष्य पवित्र होता है सुचरिता जो भी कहूँ वस्तुस्थिति यह है कि जैसे दूसरे देश वेलिंगटन जैसा सेनापति या न्यूटन जैसा वैज्ञानिक चाहते हैं वैसे ही हमारा देश ब्राह्मण चाहता है लेकिन ध्यान रहे ब्राह्मण वो है जिसे भय नहीं लोभ नहीं दुख की परवाह नहीं वो स्वेच्छा से गरीब रहता है अटल है शांत है ऐसा ब्राह्मण होगा तो वो भारत को स्वाधीन करवाने में बड़ा काम करेगा हमें हमेशा मुक्ति का सिंहनाथ करने वाला ब्राह्मण चाहिए सुचरिता ना कि बांचने और घंटा बजाने वाला अरे बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही लगती है हाँ की काफी हैं और भी। हाँ, कुछ तो मैंने भी सुना और अपनी तरह से कुछ सोचता भी रहता हूं आपकी राय क्या है बाबू जी गोरा के साथ मेरी भी कई बार बात हुई है और उसके इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो हमारा अतीत है उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता भाई देखा जाए तो सत्य कभी अतीत नहीं होता अगर सत्य वास्तव में सत्य है तो हाँ और जब तक हम भारत वर्ष के सत्य की पहचान करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक भारत स्वाधीन नहीं हो सकेगा पर आम लोगों तक कैसे पहुंचे ये सब बातें देखिए सूर्योदय को ही लीजिए उसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या है लेकिन फिर भी आम जन अपनी तरह से सोचते हैं अब इससे सूर्य का कुछ घटता बढ़ता नहीं ठीक इसी तरह से गोरा इन सभी सत्यों को खंडित रूप में देखने के बजाय संश्लिष्ट रूप में देखना चाहता है एक एक सिंथेसिस करके नया दर्शन करना चाहता है। पर जब तक आप इन विचारों को लेकर जन जन तक नहीं पहुंचेंगे जागरूकता कैसे आएगी अभी तक तो ये बातें चंद पढ़े लिखे लोगों के बीच ही होती है।, है, ना लोक? भी ऐसा चिंतन होता रहता है लेकिन परेश बाबू लगता है वो बिना विचारे हिंदू धर्म की बहुत सी बातें दूर कर देना चाहते हैं विनय <laughs> दूर से देखने वालों को ब्रह्मा ऐसे ही लगते हैं लेकिन असल में वो समाज में फैली कुप्रथाओं को स्वीकार नहीं करते वो साथ ही खोज करते हैं कि समाज में जो सड़ गया है उसे समाज से निकाला जाए और ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो तर्क पर आधारित हो परेश बाबू मेरा मानना भी यही है की सोच विचार कर ही ये स्वीकार करना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है हाँ और इसमें हट धर्मिता नहीं चलती और तुम्हारे मित्र गोरा में कुछ कुछ हट धर्मिता है अब, परेश बाबू शायद हो मैं कह नहीं सकता लेकिन ये तो हम मानते हैं कि मन वचन और कर्म में समरसता होनी चाहिए संभवता वही गोरा में नहीं है ये आप कैसे कह सकते हैं विनय बाबू बहुत मनन करके ही ऐसी बात कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गौर मोहन बाबू बहुत स्तर पर सोचते हैं। और उनकी पर तो लगाया ही नहीं जा सकता हम्म, चलो तुम्हारी ये धारणा मैं गोरा तक पहुंचा दूंगा सुचरिता दीदी दीदी अरे ललिता कहाँ से आ रही हो तुम्हें कुछ भी रहती है घर में ही थी अच्छा परेश बाबू मैं चलता हूँ बैठिए ना इतनी अच्छी बातें हो रही <laughs> फिर आऊंगा अच्छा नमस्कार।, नमस्कार नमस्कार अच्छा मैं भी चलता हूँ बेटी तुम दोनों खूब गप्पे लगाओ ठीक है? <laughs> अब दीदी तुम्हें विनय बाबू अच्छे लगते हैं पापा को तो बाहर जाने दे चले तो गए बताना <laughs> क्यों नहीं? तुझे अच्छे नहीं लगते नहीं। ये मेरी बात का जवाब तो ना हुआ उनकी बातें अच्छी लगती हैं इसलिए कि वे हर वक्त गौर बाबू की बातें करते रहते हैं <laughs> विनय बाबू के मुंह से गोरा बाबू की बातें सुनकर बड़ा आनंद आता है ललिता मुझे तो अच्छा नहीं लगता अरे वो क्यों अरे ये बात करो तो गोरा वो बात करो तो गोरा 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 माना कि वे बड़े आदमी हैं पर विनय बाबू भी तो कुछ हैं हाँ हैं तो पर गोरा की बात करने में हर्ज क्या है ललिता अरे जो आदमी अपने दोस्त के गुणों के सहारे अपनी धाक जमाना चाहता है मुझे तो अच्छा नहीं लगता लगता है जैसे एक टिड्डे को मकड़ी ने घेर रखा हो <laughs> बड़ी बातें बनाना सीख गई हो हा? अरे कोई किसी को दबाए मुझे अच्छा नहीं लगता <laughs> तुम्हारा मतलब गौर बाबू ने विनय को दबा रखा है और क्या एक तुम हो खुद भी खुली रहती हो और दूसरों को भी जगह देती हो देखो ये मैंने बाबा से सीखा है बाबा से क्या मुकाबला वो सही मायनों में ग्रेट है। <laughs> वैसे बातें भी बाबू अब बुरी नहीं करते आम, मुझे लगता है सोच सोच कर बना बना कर बात कर रहे हैं ऐसा <laughs> तो गौर बाबू भी करते हैं बस ये भी उन्हीं से सीखा होगा <laughs> अरे तू ये क्यों नहीं सोचती विनय बाबू गौर बाबू से बहुत प्यार करते हैं लगता है उनके दिल सच में मिले हुए हैं प्यार है या गुलामी चल तेरी बात मानी <laughs> तो बता फिर क्या किया जाए आ... हा विनय बाबू को गौर बाबू के बंधन से छुड़ाकर स्वाधीन करा दिया जाए <laughs> कोशिश कर ले <laughs> दोनों मिलकर करते हैं कोशिश ठीक है <laughs> <laughs> तो फिर मुक्ति अभियान शुरू हो <laughs> गोरा कुछ खास काम कर रहे हो क्यों ऐसा क्यों पूछा तीन दिन कहां रहे आ, बस यूं ही। यूं ही या कुछ और वैसे आजकल परेश बाबू के घर से फुर्सत मिले तभी मित्र से मिलने आओगे ना अब बैठो गोरा इसमें बुरा क्या है कुछ भी नहीं बुरा तो कुछ भी नहीं है वहां घंटों बैठो बतियाओ लड़कियों के साथ घूमो सर्कस देखो इसमें बुरा क्या है यह सब तुमसे किसने कहा क्यों तुम लड़कियों को साथ लेकर सर्कस देखने नहीं गए? गया था तो ये खबरें जरूर अविनाश देता होगा तुम्हें विनय ऐसे में अपने उद्देश्य का क्या होगा गोरा मैं उसे भटकूंगा नहीं अरे रे रे, विनय आया है कैसे हो विनय बाबू जी अच्छा हूं ए, तुम्हारी आवाज सुनी तो चला आया गोरा को तो मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं बैठो दादा हर वक्त ताना मारना अच्छा नहीं लगता ना 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 ये ताना नहीं मैं तो सच ही कह रहा हूं तुम बड़े काम में लगे हो सो समय तो देना ही पड़ता है आ, हाँ, इधर तो सब ठीक है तुमने अपने काका को चिट्ठी तो लिख दी है ना उनका जवाब आ जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं नहीं काका को तो मैंने अभी नहीं लिखा है अरे तू मुझे कह दिया होता मैं ही लिख देता दरअसल ये मेरी ही गलती है तुम्हारी काका का नाम पता तो मेरे पास है ही नहीं जरा बताना तो विनय बाबू आप देखिए चिंता ना करें आश्विन कार्तिक में तो विवाह हो नहीं सकता अघन में हमारे परिवार में एक दुर्घटना घट गई थी सो अघन में भी सभी शुभ कार्य करना बंद है विनय बाबू तुम भी ये सब बातें मानते हो तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा पहले तो इस देश में शुभ दिन ढूंढे नहीं मिलता उस पर घर की भी कई बंदिशें होती हैं तो काम कैसे चलेगा इस तरह से तो हम कुछ कर ही ना सकेंगे आप भी तो भाद्राशविन मानते हैं मैं कहा मानता हूँ इस देश में बहुत कुछ ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है तिथि -ति नक्षत्र जाने बिना कुछ टिकने देता है क्या देखिए दादा हमारे परिवार में अघन का डर ऐसा समाया है कि काकी कभी नहीं राजी होंगे विनय, एक बार जब दादा को वचन दे दिया तो क्यों उन्हें बिना कारण संशय में रखकर तकलीफ देते हो मैंने मैंने दि, दिया वचन तो वचन ले लिया गया अरे तुमसे मेरी दो चार बातें ही तो हुई थी और तुमने उसे वचन मान लिया क्या कहते हो विनय बाबू देखिए बातचीत का अर्थ वचन नहीं होता है तो जाओ तुम्हें अपनी बात का कोई मूल्य नहीं तो कोई भीख मांगने नहीं जा रहा तुम्हारे पास दादा मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना कि विनय के साथ शशि मुखी का विवाह नहीं हो सकता जरूर कहा था गोरा तुम ही कर सकते हो ऐसी बात कोई और भाई होता तो भतीजी के विवाह के लिए उत्साह दिखाता क्या अगर विश्वास नहीं था तो क्यों कहा मुझसे कि मैं विने से जाकर बात करूं इसलिए कि विनय तुम्हारी बात मानता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारा गुलाम है मैं तो शादी ब्याह के मामले में वैसे भी नहीं पढ़ता और पढ़ना भी नहीं चाहता मुझे और भी बहुत काम है तो ऐसे पहले बोलना था अरे क्या हुआ इतना चिल्ला कर बातें ही फैसला करो किस बात का फैसला यही कि गोरा ने मुझसे शशि मुखी से विवाह करने की बात चलाई थी तो क्या इसी से सब तय हो जाता है तुम्हें शशि मुखी से विवाह करने में कोई आपत्ति है तो बताओ वो बात नहीं है माँ देखो बेटा झगड़ा थोड़ी देर का है विवाह तो पूरे जीवन की बात है मैं नहीं चाहती कि ये फैसला तुम किसी भी तरह के दबाव में आकर करो सच में अगर तुम्हें ये स्वीकार करने में कोई झंझट हो तो बताओ आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं अब आप ही फैसला कर लीजिए मैं जा रहा हूँ अरे रुक तो नहीं रुकेगा माँ इसका गुस्सा मैं जानता हूँ अच्छी तरह से अच्छा अब बता अब तो गोरा भी नहीं है मां मैं यही कह रहा था कि अभी ये विवाह नहीं हो सकता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं विनय बाबू कोई आपत्ति तो नहीं ना ऐसा करते हैं ए, अभी सगाई कर लेते हैं विवाह कोई शुभ दिन देख हो जाएगा क्यों माँ ठीक है ना हाँ। ठीक है आ, आप गोरा से सलाह कर लीजिए फिर गोरा से सलाह हाँ दादा उसके बिना नहीं हो सकता ये विवाह तब तो दूसरा चारा क्या है विनय बाबू चलो मैं भी चलकर उसे ढूंढता हूं माँ अगर गोरा इधर आ जाए तो तुम उससे बात कर लेना बेटा बात तो मैं कर लूंगी लेकिन विनय बेटा मैं उससे बात करने से पहले तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम अपना फैसला स्वयं लो माँ तुम मुझे इतने सालों से जानती हो और मैंने सदा तुम्हें अपनी माँ के रूप में ही देखा है इसलिए तुम जो भी करोगी ठीक करोगी इसका मुझे पूरा विश्वास है माँ बेटा अरे विनय बाबू माने तो एक तरह से अपनी राय दे ही दी है दादा महीम तुम इस तरह की बातें करके विनय को भ्रम में मत डालो मेरी राय तो ये है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले विनय को सोच विचार का पूरा अवसर मिलना चाहिए ठीक है माँ मैं इस बारे में सोचता हूँ अभी मैं चलता हूँ प्रणाम माम जीते रहो बेटा प्रणाम दादा जीते रहो आप सुन रहे थे गुरुदेव रविन्द्र टैगोर के उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा की पांचवी कड़ी इसका निर्देशन किया दीपक त्रिपाठी ने रेडियो नाट्य रूपांतर किया प्रताप सहगल ने ध्वनि अंकन किया शालिनी शर्मा ने ध्वनि संपादन किया गोपाल रावत ने और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे हर्ष बाला एस के बत्रा नरेंद्र जोशी कीमती आनंद दीपा रॉय, मदन डोगरा कुमकुम जैन सादिया रहमान अंशुल वर्मा और पारस शर्मा इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप सुनेंगे कल इसी समय तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार